तुमने ऐसे किया और अगर तुमने सुना होगा तो तुम ऐसे करते, है ना, क्योंकि तुम सबने ऐसे किया इसका मतलब आपने देखा ज्यादा और सुना कम। मेघा याद कैसे करते हो, देख देख कर या सुन सुन कर? पढ़ पढ़ के। तो पढ़ने से क्या होता है, सुनाई देता है या दिखाई देता है? पढ़ के दिखाई देता है नहीं, वो लेटर्स की बात नहीं करता हूं, जो चल रहा है वो दिखाई देता है या सुनाई देता है? सुनाई देता है, इसीलिए तो याद नहीं होता। अच्छा ये बताओ, सभी लोगों ने कोई ना कोई टू व्हीलर चलाया है, साइकिल भी टू व्हीलर है यार, तो आप कोई प्रीमियम राइडर है पीछे बैठा है और वो पीछे बैठ के बोलता है टेक लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, कौन सा हाथ है ये, उसने क्या बोला लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो क्या लोगे, राइट लोगे लेफ्ट लोगे? पक्का? किसी ने बोला वो देखो राइट में मेरा घर है, तो उसका घर राइट में होगा लेफ्ट में होगा? इसका मतलब अगर कुछ सुनाई भी दे और दिखाई भी दे तो सच क्या है, सुनने वाला देखने वाला, देखने वाला। तो आज के बाद याद कैसे करोगे, सुन सुनकर या देख देख कर? देख देख कर। पर यार सारी चीजें तो दिखाई नहीं देती, तो जो नहीं दिखाई देता वो कैसे याद करोगे? नहीं सुनकर नहीं, इमेजिनेशन करके, है ना, सभी लोग इमेजिन कर सकते हैं। चलो तो शुरू करें हम टेस्ट। तीन रूल थे मेरे टेस्ट के। पहला रूल है मैं आपको उल्टे सीधे अनरिलेटेड 20-25 वर्ड्स दूंगा, सारे वर्ड्स में एक ही बात बोलूंगा, कोई मुझसे रिपीट करने को नहीं कहेगा। अग्री? यस। सेकंड रूल है कोई कुछ लिखेगा नहीं। और थर्ड रूल है जो भी मैं आपको वर्ड दूंगा सिर्फ आपको वो याद करके मुझे नहीं बताना है, फिर क्या करना है, उसी सीक्वेंस में याद रखना है जिस सीक्वेंस में मैं आपको दूंगा। शुरू करें? चलो। अब यार मैं भी इतने शब्द कहां से लाऊं, आप सभी किसी ना किसी स्कूल में तो पढ़ते ही हो, है ना, स्कूल में क्लासरूम भी होगा, क्लासरूम में बोर्ड भी होगा, है ना, कहीं ब्लैक बोर्ड होगा, कहीं व्हाइट बोर्ड होगा, कहीं स्मार्ट बोर्ड होगा, कहीं नॉट सो स्मार्ट होगा, लेकिन सभी जगह बोर्ड होंगे, है ना। तो ये बताओ आपकी क्लासरूम में आपको क्या क्या दिखता है, सब लोग एक साथ बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेबल बोर्ड फैन। चलो बाहर चलते हैं रोड पर, रोड पर क्या क्या दिखता है, बस कार बाइक पेड़ रोड बिल्डिंग पार्किंग। घर चलते हैं, आपके घर में क्या क्या है, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन डबल बेड डाइनिंग टेबल और क्या है भाई, मम्मी पापा भी। चलो शुरू करें, ऐसे सोचो एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी ले लो, ब्लैक बोर्ड है ठीक है, पर वो आपके स्कूल जैसा नहीं है, वो ऐसा है कि उस बोर्ड के ठीक बीच में लगा एक पंखा। सोचो यार तुम्हारे स्कूल वाले भी अगर बोर्ड के ठीक बीच में पंखा लगा देते तो मुंह पर कितनी अच्छी हवा आती। जब ये पंखा घूमता है तो पंखे की जो पंखुड़ी है उसकी हवा कहाँ आती है, क्या नाम है आपका, आयू। जब वो पंखा घूमता है जिस पर पंखुड़ी लगी है तो उसकी हवा आती है आयु की चेयर पर। अब आप पूछोगे आयु की चेयर में क्या खास है, तो आयु की क्लासरूम में बाकी सारी चेयर तो वहीं रखी रहती हैं, जो आयु वाली चेयर है उसको रोज इनके टीचर रोज शाम को कार की छत पर रखकर घर ले जाते हैं और रोज सुबह वापस ले आते हैं। और ये जो कार है वो कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, ये ना फैक्ट्री में नहीं बनती, पेड़ पर उगती है, अलग अलग पेड़ हैं, एक होंडा सिटी का पेड़ है, एक सेंट्रो का पेड़ है, एक छोटा सा पौधा है उस पर नैनो उगती है। आपकी सुविधा के लिए ये सारे के सारे पेड़ बाइक के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई बाइक के ऊपर चढ़कर कार तोड़ के ले गया तो, इसीलिए ये सारी की सारी बाइक हम कहां पार्क करते हैं, बिल्डिंग्स की छत पर। और बिल्डिंग्स हमने कहां बनाई हुई है, रोड के ठीक बीचों बीच। आपने ये सब कहां देखा, टीवी पर। और टीवी पर यार तुम्हारी क्या ठंडी रहती है, क्योंकि रोज रात को कहां रख देते हो, फ्रिज में। और फ्रिज तो क्या चमकता है,
경기 로이 돈다에 다이미 워싱머신에 별의별 사이다로 해요. 워싱머신께 그리 그말이 벌이 싫다에 또 무슨 워싱룸에 이렇게 다 할게요. 푸자룸에 और पूजा घर तुमने अपना कहाँ बनाया है? डाइनिंग टेबल के ऊपर. और डाइनिंग टेबल कहाँ रखते हो? डबल बेड के ऊपर. और डबल बेड कहाँ रखते हो? सोफे के ऊपर. सोफे की तो टांगी टूट गई. कैसे रखा हुआ है? एक तरफ से मम्मी ने पकड़ा हुआ है, एक तरफ से पापा ने पकड़ा हुआ है. ठीक है, अब बताओ सबसे पहले क्या था? बोर्ड के बीच में क्या था? पंखे की पंखुड़ी पर क्या था? ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट की रोशनी कहाँ पड़ती है? आयु की चेयर पर. आयु की चेयर काय पे रख के ले जाते हैं? कार कहाँ उगती है? पेड़ कहाँ उगता है? बाइक कहाँ पार्क करते हैं? बिल्डिंग कहाँ बनाई हुई है? आपने ये सब कहाँ देखा? टीवी क्यों ठंडी रहती है? फ्रिज क्यों चमकता है? वॉशिंग मशीन कहाँ रखते हैं? पूजा घर कहाँ बनाया? डाइनिंग टेबल कहाँ रखी? डबल बेड कहाँ रखा? सोफे की टांग टूट गई, कैसे रखा हुआ है? सो यू हैव फैंटास्टिक मेमोरी, लेट्स क्लैप फॉर योर मेमोरी. तो भैया अगले बार कोई आपसे आके पूछे कि आपकी मेमोरी कैसी है, तो कैसी है? अच्छी है. लेकिन पीछे आपके पेरेंट्स जो बैठे हैं वो एक बात जानना चाहते हैं कि आज जब ये उल्टी सीधी बिना काम की बातें आप एक बार में याद कर लेते हो तो बाकी टाइम पर तो ऐसा है, हमने अभी मेमोरी के तीन रूल्स का पालन किया. मेमोरी है प्रसन्न चित्त मुद्रा. क्या है? क्या नाम है आपका? ऋत्विक. ऋत्विक को जब कुछ बोला जाता है ना, ऋत्विक के याद करके सुनाओ, तो ऋत्विक इतना गंदा चेहरा बनाता है, इतना गंदा चेहरा बनाता है कि अगर मिरर देख ले तो खुद ही डर जाए. इसलिए मेमोरी भी डर के भाग जाती है. तो आज के बाद अब ऋत्विक कैसे याद करेगा? हैप्पी मूड में याद करेगा. क्या होना चाहिए? बत्तीसी दिखना चाहिए, है ना? आपके दांत जो हैं वो दिखना चाहिए. ठीक है, दूसरा रूल क्या है? जब भी हम बहुत सारे लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं तो सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को कैसा होना चाहिए? उनको भी हैप्पी होना चाहिए. अगर उनमें से कोई एक सैड है तो फिर मेमोरी भाग जाएगी. और तीसरा रूल है, जो भी याद करना हो, यहाँ पर मेरा गारंटी कार्ड भी है, फिजिकल कार्ड तो नहीं, ऐसी दे देता हूँ आपको, है ना, रितेश जैन गारंटी कार्ड. क्या गारंटी कार्ड है ये? जो भी शब्द आप लाइफ में याद करना चाहते हो और याद नहीं हो रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ मैं आपको याद करा सकता हूँ. कैसे? जिस भी शब्द को याद करना हो, चाहे वो केमिस्ट्री का एलिमेंट हो, चाहे वो इंग्लिश की वोकैबुलरी का वर्ड हो, चाहे वो मैथ्स का फॉर्मूला हो, कुछ भी हो, आप उसको तोड़ मरोड़ कर फनी बना दो, है ना? जैसे ही आपने उसको तोड़ मरोड़ कर फनी बनाया, मेरी गारंटी है आपको याद हो जाएगा. ठीक है, एक बार मेरा दूरदर्शन पर प्रोग्राम था और मैंने यही कहा एग्जैक्टली. अब दूरदर्शन पर तो प्रोमिसेस भी बड़े आसान होते हैं ना, क्योंकि कोई टीवी में अंदर आके तो पूछेगा नहीं, है ना? पर अनफॉर्चुनेटली उस प्रोग्राम के नेक्स्ट डे इसी तरह की एक गैदरिंग थी और उसमें पीछे एक ऐसा बच्चा बैठा था जिसने टीवी पर वो प्रोग्राम देखा था. उसने जैसे ही मैंने कहा जो कुछ याद करना हो मैं करा दूंगा, उसने पीछे से हाथ ऊपर किया, सर मुझे भी करा दोगे? मैंने बोला क्यों, तुम में क्या खास है? बोला मैं हिंदी मीडियम से हूं. मैंने कहा तुम तमिल मीडियम से हो गए तो भी याद करा देता. बोला मेरे पास बहुत सारी डिक्शनरी है हिंदी टू इंग्लिश. I said, all this is immaterial. Tell me what you want me to remember. He said, Chimerical. C-H-I-M-E-R-I-C-A-L. बताइएगा तो क्या होगा? Chimerical. C-H-I-M-E-R-I-C-A-L.
डिक्शनरी कहती है शिमेरिकल का मतलब होता है कल्पनातीत। मैंने फिर मुंह खोला, बोला रुक जाओ बहुत सारी डिक्शनरी हैं। काल्पनिक, भ्रामिक, भ्रमपूर्ण, स्वाप्निक, स्वप्नीय। मैंने कहा रुक जा भाई, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं इल्यूजन। बोला सर सारे याद करा दो, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। मैं तो फंस गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है। ही सेड सोने भाई तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस, तुम तो शर्मा गए, तुम बताओ भाई। बता दो कोई नहीं है सर, कोई भी नहीं है। चलो, उसने कहा प्रियंका चोपड़ा। मैंने कहा प्रियंका चोपड़ा के बारे में सोचो और मेरे साथ बोलो, शी मैरी मी कल। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये कल्पनातीत है, काल्पनिक है, स्वाप्निक है, स्वप्नीय है, भ्रामिक है, भ्रमपूर्ण है और इंग्लिश में से कहते हैं यूजन। बोला अब नहीं खुलूंगा। तो कोई भी वर्ड, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी एलिमेंट आपको याद करना हो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, बशर्ते आप इसको थोड़ा सा किसी फनी इंसिडेंट से रिलेट कर दो या आप तोड़ मरोड़ कर फनी बना दो। आई रिमेंबर बचपन में फोर्थ ग्रुप में सबसे डिफिकल्ट क्या था बचपन में याद करने को, आई थिंक केमिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट क्या था, सबसे डिफिकल्टी मेंडली टेबल है ना। तो फोर्थ ग्रुप के तीन एलिमेंट जिनको आयरन एलिमेंट कहा जाता है, कौन बताएगा? फोर्थ ग्रुप के तीन एलिमेंट्स जिन्हें आयरन ग्रुप कहा जाता है, हाँ क्या नाम है आपका? नाम बोलो पहले। हाँ मैंने आंसर सुन लिया, इट वॉज करेक्ट, बट मुझे नहीं आता। और मेरी टीचर ना रोज मुझे बाहर निकाल देती कितनी भी बात की वजह से। लेकिन एक बात हुई, जब भी लाइफ में ऐसा होता ना कि आपने सब कुछ पूरा ट्राई मान लिया, कुछ नहीं हो सकता है ना, सब कुछ कर लिया, मुझे कुछ याद करना है एंड आई हैव गिवन माय 100%, उस दिन हमारे दिमाग में माँ सरस्वती का वास होता है और कोई ना कोई ऑप्शन जरूर निकलता है। आप कभी भी ट्राई करना, हालांकि ऐसा दिन बहुत कम आता है क्योंकि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम टालते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर आप ये टालना बंद कर दो, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सब कुछ कर लिया, आई कुड नॉट स्पेंड द होल नाइट एंड आई वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर, लेकिन मुझसे याद नहीं हुआ। तीन एलिमेंट्स थे, फेरस, निकल एंड कोबाल्ट। मैंने थोड़ा सा उसको रीअरेंज किया जब कुछ नहीं हुआ मुझसे, और मैंने रीअरेंज करके तीन बार जोर से बोला और मुझे आज तक याद है। ऐसा कैसे तीन बार बोला होगा, बोलो। फेरस क्या सिंबल होता है, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे ऐसी को, पे। कोबाल्ट क्या होता है सिंबल, सीओ, कैसे प्रोनाउंस करोगे, को। निकल क्या होता है सिंबल, कैसे प्रोनाउंस करोगे, नी। तो मैंने तीन बार जोर से बोला, फेकोनी को फेंक दिया गया है, फेकोनी को फेंक दिया गया है, फेकोनी को फेंक दिया गया है, एंड आई स्टिल रिमेंबर। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि टीचर्स के साथ एक प्रॉब्लम बड़ी होती है कि इन्हें थोड़ा सा एक चीज सुना दो ना तो इनको लगने लगता है कि आप तो आइंस्टीन हो, है ना, होता है ना, एक क्वेश्चन सही कर गया तो 10 दे दिए। तो मुझे टास्क दे दिया मेरी केमिस्ट्री की टीचर ने, ओ यू आर सो स्मार्ट, आई थॉट यू आर डल। चलो अब ऐसा करो, कल पूरी पीरियोडिक टेबल याद करके आना, एंड आई एम गॉन। मैं फिर पूरी रात नहीं सोया, खूब याद किया, खूब याद किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये समझ आ गया कि बॉस जितना हार्डवर्क मैं कर सकता था आई हैव ऑलरेडी डन, तो फिर से क्या हुआ, आइडिया आया। ये आइडिया तभी आते हैं जब आपका सारा हार्डवर्क खत्म हो जाता है। अगर मन में एक भी बात रह गई कि नहीं प्रॉब्लम मैं मंडे को थोड़ा सा पढ़ सकता हूं, तो आइडिया नहीं आया।
जब आप पूरी तरह से पढ़ लोगे तभी आइडिया आता है। तो जब मैंने पूरी तरह से हार्डवर्क कर लिया और उससे याद नहीं हुआ, आई गिव अप एंड सडनली एक आइडिया आया। बोलो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सिंबल क्या है, प्रोनाउन कैसे करेंगे, हा है ना, प्रोनाउंसिएशन बोलते जा सकता। दूसरे का ही, फिर ली, बे, और मैं बोलता गया, कैसे बोला, हा ही ली बेबो काना ऑफ नी ना मग अल्ती पसल अर सत्य कर्मन फैकू निकूज गागी अस्सी बरतर यादर नौ मोटिक रूरा पट अपट। नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट इज 22nd एलिमेंट, आई कैन सिंपली काउंट हा ही ली बेबो काना, राइट। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मेरी मेमोरी खराब है, एज इफ यू नो कोई हार्डवेयर डिफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेमोरी कैसी है वो हमारी अपनी जरूरत पर डिपेंड करती है कि हमें उससे इंटरेस्ट कितना है और जरूरत कितनी है ना। नाउ कॉन्ट्रेरी टू दिस केमिस्ट्री थिंग, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई वाज इन मैथ्स और गर्मियों की छुट्टी में 10th और 11th के बीच में I have sold a whole book of 11th standard. यानी 11th की बुक का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मैं नहीं कर सकता था, और स्कूल तो अभी खुले नहीं थे, and of course I was on the top of the world. लेकिन लाइफ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, तो मेरी लाइफ में भी एक लेकिन था, और वो था एक आधा पेज। उस आधे पेज में क्या लिखा हुआ था, फॉर्मूले। अगर वो आधा पेज आप मुझे दे दो तो मैं मैथ्स की बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, लेकिन यार आधा ही पेज तो था और साल कितना था पूरा। लेकिन दिमाग में मेरी जीके भी अच्छी थी, मुझे पता था एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो मैं ये आधा पेज कब याद करूंगा, नेक्स्ट मंथ, फिर कब याद करूंगा, नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, और क्या आ गया, लास्ट मंथ आ गया। लेकिन जीके तो फिर भी अच्छी थी ना। बोलो एक महीने में कितने वीक होते हैं, 4, तो मैं कब याद करूंगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, और कौन सा वीक आ गया, लास्ट वीक आ गया। पर जीके तो अभी भी नहीं खराब हुई। बोलो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, तो मैं कब पढ़ूंगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, एंड फाइनली इट वॉज द डूम्सडे, अगले दिन एग्जाम है, मेरा हाफ पेज इंटैक्ट है, वैसा था वैसा। और यार उस दिन रात को मुझे मम्मी की बड़ी बात याद आई। मम्मी लोग क्या बोलते हैं, रात में देर तक पढ़ना चाहिए या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, मैं सो गया। और यार ठंड के दिनों में जब सुबह सुबह अलार्म बजता है तो तुम समझ ही सकते हो कि कब तुम्हारा हाथ जाकर उस अलार्म को बंद कर देता है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई कुड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन माय बुक इवन बिफोर द स्कूल स्टार्ट, देन आल्सो आई कुड बेयरली गेट द पासिंग मार्क्स इन 11th मैथ्स। तो ये दो घटनाओं से आपको क्या समझना है, इन दो घटनाएं मैंने थोड़ी लंबी थी लेकिन आपको सिर्फ इसीलिए जानबूझकर मैंने पूरी कवर की ताकि हमें लाइफ में ये समझ में आ जाए, इट इज नॉट दैट देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, वन इज इंटेलिजेंट, अदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट, वन इज हार्ड वर्किंग, अदर इज नॉट सो हार्ड वर्किंग, नथिंग। भगवान ने सबका हार्डवेयर एक जैसा बनाया है। अब सवाल इस बात का है कि उस हार्डवेयर को हमने यूज कितना किया है, और इसको यूज करने में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत। कल करेंगे, एक घंटे बात करेंगे, 15 मिनट बात करेंगे, बस 2 मिनट बात करेंगे। जब तक आपकी लाइफ से ये नहीं जाएगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। और चूंकि आप तो समाज के वो बच्चे हो जिन पर पूरी समाज को अभिमान है ना, इसीलिए आपको अचीवर्स बना के, अवार्डी बना के इस फंक्शन में बुलाया है। अब अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो सिर्फ आपका ये पर्सनल लॉस थोड़ी है ना। अभी आप महाराज जी की बातें सुन रहे थे, क्या बोला महाराज जी ने, महाराज जी ने बोला ये जो आप जैकेट पहन के बैठे हो, ये जो आपको सम्मान मिल रहा है, ये जो लोगों ने आपके साथ हार्डवर्क किया है, ये सारे के सारे हार्डवर्क के साथ आपके सिर पर आ जाती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी सक्सेसफुल एट एनी कॉस्ट।
अगर इस सब के बाद भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है तो इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है कि आचार्य जी की प्रेरणा से, महाराज जी की प्रेरणा से इस कार्यक्रम में आप अवार्डी बनकर आए हो। अब आपको सिर्फ अपना नाम ऊपर नहीं करना है, अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर करना है, आपको इस समाज का नाम ऊपर करना है, राइट। और जब तक आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझोगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे, राइट। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी परेशानी में, कोई भी डिसीजन लेने के पहले, या आपको ये कोई इशू है कि कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कितने का फॉर्म आएगा, डीडी किसके नाम पर मिलेगा, इन सारी चीज़ों के लिए आप मेरा फेसबुक आईडी ले लो, ईमेल आईडी ले लो, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज राइट नाउ वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज स्मॉल थिंग्स। ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी लिखने के बाद देन वी ब्रेक फॉर लंच। तो फर्स्ट पेरेंट्स विल गो फॉर लंच, स्टूडेंट्स विल बी हियर टिल आई गिव यू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। राइट नाउ पेरेंट्स और बच्चे दोनों इस ईमेल आईडी को या फेसबुक आईडी को लिख सकते हैं।